पहली बार हुआ है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गेम चेंजर एंड गुड थिंग फॉर कश्मीरीज फॉर द पीपल ऑफ उरी बिकॉज यू नो मोस्टली जो ये लोग देखते हैं सफर करते हैं इट्स लाइक सीज़फ़ायर वायलेशन अक्रॉस यू नो क्रॉस बॉर्डर वायलेशन एंड ऑल दैट उसमें ये लोग भी बहुत सफर करते हैं तो आई थिंक यहाँ के यूथ के लिए मोस्टली उनका स्ट्रेस आउट करने के लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे मतलब पहली बार हो रहा है आई डोंट नो व्हाई ये चीज़ पहली बार हो रही है ये होनी चाहिए बहुत टाइम से और इट शुड कंटिन्यू इट्स नॉट लाइक इट हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट्स इट शुड कंटिन्यू एंड इफ आर्मी इज डूइंग लाइक आर्मी इज लाइक प्रोवाइडिंग सच प्लेटफॉर्म्स तो यहाँ का लोकल टैलेंट भी परफॉर्म कर रहा है यू कैन सी दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर देम लाइक ऐसे यहाँ के लोगों का आउटलुक चेंज हो सकता है उनकी मेंटेलिटी उनका जो मतलब ऑब्वियसली दे विल बी थिंकिंग समथिंग एल्स अबाउट द आउटर वर्ल्ड बिकॉज उनको इस सब स्ट्रेस से निकलने का मौका नहीं मिलता होगा तो इससे वो सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं एंड पीपल शुड वेलकम ऑल दीज थिंग्स इंडियन आर्मी इतना कुछ कर रही है उनके लिए हाँ नौजवान यूथ के लिए देखिए हमारा यूथ जो है ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार होता है या तो फिर ड्रग्स में जाते हैं या तो वो डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज यू नो वायलेशन एंड ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग सो आई विल टेल देम दे शुड वेलकम ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स ऑल दीज यू नो थिंग्स हैपनिंग ऑल दीज फेस्टिवल्स एंड छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे दे शुड ऑलवेज वेलकम दीज एंड दे शुड यूटिलाइज दीज थिंग्स फॉर देयर गुड दैट्स इट देखिए एक फौज से इंडियन आर्मी से जितना हो पाता है उतना वो यूथ को सपोर्ट कर रही है हम नहीं बोलेंगे कि लाइक इंडियन आर्मी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है सही कर रही है गलत कर रही है बट द थिंग इज यूथ के लिए आई शुड से दैट बहुत सपोर्टिव है बहुत सपोर्ट कर रही है कश्मीर के मतलब श्रीनगर के हो बारामूला के हो या उरी के हो दे आर रियली सपोर्टिव ऐसे मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज करना ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना आर्मी हैज़ डन इट विकी कौशल वगैरह सोनल चौहान को उन्होंने बुलाया है इट्स जस्ट कि लोगों को थोड़ा एक्सपोजर मिले यहाँ के लोगों का आई थिंक दे शुड वेलकम ऑल दीज